डोंगरगांव स्थित ग्राम पंचायत अमलीडीह में विभिन्न निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की है। छत्तीसगढ़ में स्थित डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमलीडी में एक मामला सामने आया है, जिसमें विभिन्न निर्माण कार्यों में खराब मटेरियल का उपयोग किया गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जनपद सदस्य चंद्रिका सोनकर के पति रोहित सोनकर इसके जिम्मेदार हैं। निर्माण कार्यों में लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। हम लोग इस वक्त मौजूद है अमलीडीह ग्राम पंचायत में। जैसे कि लगातार ग्रामीण जन यहाँ पर निर्माणाधीन जो भवन है, बहुत सारे जो अलग अलग समाजों के जो भवन है, उसकी शिकायत लेकर हमारे पास पहुँचे हुए हैं। और यह बात स्पष्ट है कि इसमें भरपूर मात्रा में जो है करप्शन किया गया है। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि इसको थोड़ा जूम करें। आप देख लीजिए निर्माण किस तरीके से किया गया है, बेतरतीब तरीके से ना इसमें मतलब रॉ मटेरियल ढंग से डाले गए हैं, ना ही सीमेंट डाले गए हैं। मतलब ये मान के चलिए कि पूरा पूरा भ्रष्टाचार जो है इस भवन में जो है ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी तक अधिकारी इसको झांकने तक नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि संबंधित अधिकारी और ठेकेदार में एक संधि हो चुका है और वह भ्रष्टाचार को पसा दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप साहू जी हैं। आइए जानते हैं कि इस भवन को कब तक बनना है और क्या स्थिति है। जी साहू जी, यह भवन तो अब भगवान भरोसे हो गया है। कब बनेगा, क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं है। ना ही गांव वाले को कोई मान रहे हैं, वो मान रहे हैं सरपंच के द्वारा। ना ही कुछ हो रहा है इनका, ना इसमें पानी का तराई हुआ है, ना कोई इंजीनियर आया है कुछ अभी तक। मतलब इस भवन को झांकने तक कोई नहीं आए हैं। तो यह भवन ठेकेदारी के तहत चल रहा है, जबकि ग्राम पंचायत में कोई ठेकेदारी नहीं होता। जबकि ग्राम सभा में भी बात उठी थी कि यह भवन सामाजिक लोगों को दे दिया जाए, लेकिन नियम नहीं है ऐसा देने का। ये इस बात को मैं मानता हूँ। यह जो निर्माण का कार्य है वो सरपंच ही करता है, सरपंच के द्वारा होता है, लेकिन ठेकेदारी भी नहीं होता। लेकिन यह भवन, तीनों भवन ठेकेदारी के तहत बनाया गया है और यह इतना क्लिंथ लेवल में, इतना कम समय में डे नाइट करके बनाया गया है, दिन और रात करके 5 दिन में खड़ा किया गया है इस भवन को। तो यह तो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ेगा ही। ये तो दिलीप साहू जी, इनका कहना है कि पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां पूरी तरह से इसमें उड़ाई गई है। गौरतलब है कि पंचायतों के अधीन जो कार्य होते हैं वह सरपंच क्रियान्वयन एजेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर नियमों को ताक में रखकर एक ठेकेदार को इस काम को दिया गया है, जो कि अनुचित है और नियम विरुद्ध है। विद कैमरा पर्सन फलेश के साथ दखल न्यूज के लिए राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं